विश्व हिंदू परिषद गोरखपुर विभाग की योजना बैठक कचहरी बस स्टेशन स्थित पार्टी कार्यालय के सभागार में संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता विहिप के प्रांत संगठन मंत्री प्रदीप पांडे ने किया। दो सत्रों में आयोजित विभाग की योजना बैठक में आगामी 3 महीने के कार्यक्रम की योजना बनाई गई। बैठक को संबोधित करते हुए प्रांत संगठन मंत्री प्रदीप पांडे ने कहा कि आज के समय काल परिस्थितियों के अनुसार समाज में कार्य करने की आवश्यकता है। विहिप हिंदू समाज को सबल, सशक्त व संगठित बनाने के लिए अपने स्थापना काल से ही प्रयासरत है। हमको समाज को राजनैतिक कारणों से तोड़ रही शक्तियों के विरोध में समाज के बीच जाकर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के माध्यम से लोगों को जागरूक करते हुए अपने बात रखने की आवश्यकता है। बैठक में गोरक्ष प्रांत संयोजक दुर्गेश त्रिपाठी, ओम प्रकाश श्रीवास्तव, स्वीटी जायसवाल सहित अन्य पदाधिकारी और 3 जिलों के कार्यकर्ता मौजूद रहे। उन चारों वर्णों में जो सामाजिक समरसता की कल्पना हम करते हैं, हमारे यहाँ जातियाँ बनी थी, वर्ण व्यवस्था थी, लेकिन आपस में एक दूसरे के पूरक होते थे, करके सहयोगी के भाव में रहते थे और हम सब अपनी आंखों से देखते थे। आज भी उसमें से कई परंपराओं का पालन हम लोग करते हैं। हमारे यहाँ शादी विवाह पड़ता है तो सबसे पहले नगाड़ा बजता है, उस नगाड़े की पूजा हमारे यहाँ होती है कि नहीं होती, डाल आता है, डाल की पूजा होती है कि नहीं होती है, हमारे यहाँ जो है वो कुम्हार बर्तन लेके आता है, बर्तन की पूजा होती है कि नहीं होती है, सुहाग के लिए धोबी के घर हम जाते हैं कि नहीं जाते हैं, ऐसे तमाम परंपराओं का पालन और निर्वहन आज भी हम कर रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ वो एक व्यवस्था थी, व्यवस्था के कारण कोई छुआछूत और अपने से दूर रखो यह भाव नहीं था, आत्मीयता का प्रेम और संबंध था, एक दूसरे के हम पूरक बने हुए थे। लेकिन आज राजनीतिक कारणों से उस समाज में इतनी गहरी खाई पैदा की जा रही है कि हम एक दूसरे के दुश्मन बनते जा रहे हैं। ऐसी शक्तियों के साथ हमको खड़ा होना है कि जो ऐसी शक्तियां हैं कि नहीं, आपसी प्रेम संबंध और सौहार्द बना रहे, हिंदू समाज एकजुट दिखाई दे, ऐसी शक्तियों के साथ हमको खड़ा होना। दूसरी तरफ जब यह विषय आ गया तो उसके बाद क्या हुआ, जो दूसरे प्रकार की जो शक्तियां थी वह जो है हिंदू समाज को फिर जो है बहेलिया का रूप धारण करके और हिंदू समाज को तोड़ने का षड्यंत्र करने लगी। और क्या उसमें आ गया कि हम सबसे बड़े हिंदू हैं यह दिखाने के लिए। पक्ष की तो मजबूरी है कि हिंदुत्व विचारधारा की पोषक हैं वो लोग, इसलिए वो मंदिर मंदिर जाएंगे। लेकिन विपक्ष को कौन सी बात आ गई, जो लोग मजारों पर चादर चढ़ाने के लिए लाइनें लगाते थे, जो लोग रोजा इफ्तार पार्टियां कराते थे, वो आज मंदिर मंदिर घूम रहे हैं और कोई कह रहा है कि हम अगर सत्ता में आए तो विष्णु भगवान का सबसे बड़ा मंदिर हम बनवाएंगे। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जिस दिन ताजिया विसर्जन होना, दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन होना था, उसी दिन जो है ताजिया का भी विसर्जन था, दुर्गा प्रतिमाओं को रोक दिया सरकारी आदेश दे करके, हिंदू समाज पर इतना अन्याय और अत्याचार किया, लाठी चार्ज कराए और कहे कि नहीं, पहले मुस्लिम समाज की ताजिया विसर्जित होगी, दुर्गा प्रतिमाएं विसर्जित नहीं होंगी। वह ममता बनर्जी इस बार जो है घोषणा की कि जितने लोग दुर्गा मूर्तियां बैठाएंगे, अपने यहाँ पांडाल रखेंगे, उन सबको सरकारी कोष से 10,000 रुपए अनुदान दिए जाएंगे। आप सबने पढ़ा होगा क्यों किया जा रहा है, इसलिए कि हिंदू समाज को तोड़ो।